सर पे ये केसरी रंग सजाया है। भाई जी अमूरों पास हो जाओ, अमूरों पास कर लो है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ऐ मेरी जमीन अफसोस में। सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये साढ़े शहीद कुलवंत सिंह जो कि देश की खातर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, ये साड़ी फोर सिख लई दब्बी चाली बटालियन के सन। तकरीबन साढ़े नाल इन्होंने 14 साल नौकरी की और ये तकरीबन हम 2 साल वास्ते 49RR के डेपूटेशन से गए सन। ये 49RR के डेपूटेशन से गए सन। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बहादुर, बहुत ही देश भगत, बहुत ही वधिया इंसान सन। इन्हों के परिवार के इन्हों के फादर साहब भी पहला कारगिल की लड़ाई के शहीद हो गए। एक फौजी परिवार है, इन्हों के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं। इन्हों की शादी भी हुई, अजे ज़्यादा टाइम नहीं होया। इन्हों की नौकरी भी ज़्यादा लंबी रही है, तकरीबन 14 साल नौकरी इन्होंने की है। ये आतंकवादियों की उत्तर लड़ाई के उत्थे साढ़े तकरीबन 5-6 जवान शहीद हो गए, उन्होंने बच्चे भी बहुत बहादुर जवान ये भी साढ़े। पिंड बैंस पिंड है लुधियाने के ये लहना कुलवंत सिंह साड़ी 49RR के पोस्टिंग गए थी। इन्हों की साड़ी यूनिट के 14 साल सर्विस करके अपने 49RR के गए जी। 49RR के इन्हों का 2 साल का अरसा होया जी, तो जिदी कारण अपने गाड़ी के जाने के नाल उस आत्मघाती हमले के दौरान इन्हों का यह हादसा होया। बहुत ही मंदभागी खबर है, सानू बहुत औखा बटालियन इन्हों के परिवार वास्ते हमेशा।